कि बच्चियां परिवार की वो गुलदस्ता होती हैं कि जिसकी खुशबू परिवार के प्रत्येक सदस्य में प्रत्येक क्षण पर रहती है। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। कुछ दिन पहले ही हाल ही में रोहित सरदाना यानी कि देश के जाने माने पत्रकार की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी दो फूल जैसी बच्चियां हैं और उनकी पत्नी प्रेमला दीक्षित है। उन दो बच्चियों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बाद शायद उत्तर प्रदेश के मुखिया या यूं कहें कि भारत के प्रधानमंत्री देखेंगे तो शायद भौचक्का रह सकते हैं। सबसे पहले ये बच्चियों का हंसता खेलता वीडियो देखिए, विश्लेषण करते हैं अंत में। इनके का बैग है वो गुची का जूता, नास पीटे लॉकडाउन इनका स्वैग तूने लूटा, सारा की ड्रेस अलमारी में पड़ी, मार्किन बेचारी किचन में खड़ी, सॉरी आई एम डैम बिजी के तोते उड़े पड़े, कभी ड्राइंग रूम कभी बालकनी में खड़े, कॉल्यूलेटर वाले को फोन लगे हैं करने, आधी आधी घंटी में फोन लगे हैं उठने, ये कब तक चलेगा, प्लीज डोंट आस्क, वॉश योर हैंड्स एंड वेयर द मास्क, थैंक यू। इस वीडियो में ये बच्चियां दोनों बता रही हैं और मुस्कुरा रही हैं और टिटला रही हैं कि आखिरकार कि देश में कैसा कर्फ्यू लगा है जिसके बाद ये अपनी कविता के माध्यम से सीधे तौर पर अपनी बात रख रही हैं कि किस तरह से ब्रेड और दूध खाकर अपना काम चला रही हैं। हालांकि ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वजह से कि आखिरकार मौजूदा वक्त की स्थिति में अब इनके पिता रोहित सरदाना नहीं रहे, लेकिन सरकार के इस कर्फ्यू में जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो वाकई में अब लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो से एक संदेश जरूर निकलकर सामने आया कि शायद प्रदेश के मुखिया या यूं कहें कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री अगर देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे तो आने वाले वक्त में ऐसी बच्चियों की पुकार जरूर सुनेंगे। नमस्कार।